सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। राइट नाउ मैं हूँ उदयपुर में और रुका हुआ हूँ जस्ट सज्जनगढ़ में। अभी सुबह हो चुकी है तो मैं मस्त रेडी वेडी होके आ गया इसके रेस्टोरेंट एरिया में, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है। बाहर भी सिटिंग स्पेस है, ये तो मैंने आप लोगों को दिखाया था। बाकी अभी हम लोग चलेंगे अंदर, चल के ब्रेकफास्ट करेंगे। और ये 5-स्टार प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियस है कि इसके पास ब्रेकफास्ट में बहुत ऑप्शंस होंगे। तो चलिए अब पहले चल के खाना पीना करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे आगे क्या प्लान है। यहाँ से इनका पूरा बुफे शुरू था, यहाँ पे जूस फ्रूट से लेके सब कुछ। देन उस तरफ वो, देन वहाँ पर बेक्ड बीन वगैरह मिल रही हैं। देन वो एग का काउंटर, इधर इंडियन सेलेक्शन, फिर उधर डोसा का काउंटर, और यहाँ मिल रही है चाय। तो बस ये पूरा इनका सिटिंग एरिया है, उधर बार है और उधर मफिन्स वगैरह मिल रहा है। तो आज मैंने लिया है एग भुर्जी, कुलचा, छोला, ऑमलेट, जूस, अभी डोसा आ रहा है तो चलिए खाते हैं। ये पूरा इनका रेस्टोरेंट है, ये देखो। तो अभी आ गई है मेरी चाय, तो चलिए चाय पी लेता। तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और फिर से मैं बाहर आ गया क्योंकि यहाँ पे लाइट अच्छी आ रही है, तो मैंने सोचा ठीक है अंदर लाइट नहीं आ रही थी इतनी। बाकी ब्रेकफास्ट में इनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, इडली, डोसा, एग का काउंटर, देन चाय और झालमुरी वगैरह भी रखी हुई थी। मतलब कोई कमी नहीं थी ऑप्शंस की, आप लोग जो खाना चाहो सब खा सकते हो, एनफ था तो मैंने भी खा लिया है। अब आज उदयपुर साइट सीइंग करेंगे, कल आधा देखा था, आज बाकी की चीज़ें जो बच गई है वो देखेंगे। कल संडे था तो मानसून पैलेस में बहुत भीड़ थी, यहीं से सामने से रास्ता गया ना तो ट्रैफिक था बहुत, तो कल मैं नहीं गया। आज सबसे पहले चलेंगे मानसून पैलेस, फिर वहाँ से रिटर्न होंगे, देन चलेंगे सिटी पैलेस। ओल्ड सिटी में रहेंगे आज बेसिकली पूरा, तो सिटी पैलेस, देन घूमते फिरते पिचोला लेक देखते हुए सनसेट इन्जॉय करके चले जाएंगे भगोरे की हवेली, वहाँ पर डांस शो होता है, वो सब इन्जॉय करके तब रात को भी आज उदयपुर में ही स्टे है तो स्टे करेंगे। तो फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए फटाक से निकलते हैं और चलते हैं मानसून पैलेस। तो ये मानसून पैलेस और सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का एंट्रेंस है, यहाँ पे आपको टिकट लेना है। खुद की गाड़ी से आए हो तो 300 रुपये गाड़ी के और प्लस 118 रुपये पर पर्सन टिकट है, फिर आप लोग यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। तो अभी चल के पहले मैं टिकट ले लेता हूँ, ये होटल से पास था सबसे पहले वहीं चले जाते हैं। और अगर आप लोगों को बायोलॉजिकल पार्क देखना है यानी जू, तो उसका टिकट काउंटर वो देखो वहाँ पर है, वहाँ से टिकट लेके आप नीचे ही देखो, उसके लिए ऊपर नहीं जाना है। वहाँ पे लिख रखा है गोल्ड फायर स्टैंड 150 मीटर आगे, तो मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, हम लोग चलेंगे मानसून पैलेस। यहाँ पे सामने टिकट के प्राइजेस मेंशन किए हुए हैं मानसून पैलेस के लिए। तो अभी पहाड़ चढ़ के मैं आ गया हूँ मानसून पैलेस, गाड़ी पार्क कर दी है, अब चलते हैं पैलेस देखने के लिए। ऊपर आने के बाद ये देखो मानसून पैलेस का ये जो व्यू है यहाँ पे, वहाँ चुंडा पैलेस कैफे एंड रेस्टोरेंट लिखा हुआ है। तो पैलेस के अंदर आने के बाद ये देखो 3 फ्लोर ऊपर, जो कि कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाया क्योंकि राजा की प्री मैच्योर डेथ हो गई थी, बाकी यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन ना, किसी ने टिकट चेक किया, वो लोग नीचे ही चेक करके भेज रहे हैं, ऊपर आप लोग बिल्कुल फ्री हो। तो ये कॉरिडोर है, यहाँ पे सारे लोग फोटोज वीडियोज वगैरह ले रहे हैं। और पैलेस से ये देखो उदयपुर का व्यू, द सिटी ऑफ लेक्स, हर जगह आपको लेक दिखेंगे, पानी इतना दिख रहा है। ये मैं एकदम टॉप पे हूँ, वहाँ से ये पूरा व्यू है उदयपुर का, पैलेस भी दिख रहा है, नीचे ही कार पार्किंग है, फिर आप लोगों को पैदल आना पड़ता है। और मानसून पैलेस के अंदर ये देखो यहाँ पे पिक्चर्स लगे हुए हैं बहुत सारे। देन ये महाराजा सज्जन सिंह, इनके नाम पे पड़ा हुआ है सज्जनगढ़, और ये जगह उदयपुर में, तो ये उनकी स्टैचू बनी हुई है। ये पूरा अंदर पिक्चर वगैरह है मानसून पैलेस के। फिर आगे एक्चुअली नीचे सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इसीलिए बोर्ड वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं, उनके बारे में बताया गया है। ये देखो यहाँ पे भी, तो अभी मैं मानसून पैलेस में ऊपर आ गया हूँ। ऊपर कुछ नहीं है, बस एक वो लगा हुआ है विलेज का, और यहाँ से व्यू है, यहाँ पे कोई नहीं रहता है, और ये पैलेस बस इसी तरह आई है देखने के लिए, इतना कुछ है नहीं यहाँ पे। बस यहाँ से पूरा उदयपुर सिटी का व्यू है, तो व्यू को एंजॉय कीजिए और बस यहाँ से चलते रहिए। तो अभी मैं आ गया हूँ मानसून पैलेस के पीछे वाली साइड, और पीछे से भी व्यू है, यहाँ पे भी 3 फ्लोर का ये बना हुआ है ये देखो, और यहाँ भी लोग पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं,
चलिए आपको व्यू दिखाता है। तो मानसून पैलेस काफ़ी हाइट पे है, तो इसलिए पीछे देखो ये इतनी ज़्यादा घाटी है, क्योंकि मैं अभी ऊपर आ गया हूँ। ये आएगा उदयपुर में सबसे ऊपर है मानसून पैलेस, बहुत खड़ी चढ़ाई है, तो इस वजह से। बाकी पीछे आप लोग की घाटी देख सकते हो, बहुत नीचे है, बहुत नीचे, बट ठीक है, यहाँ आना वर्थ है अगर आप लोग ऊपर आते हो तो। और मानसून पैलेस काफ़ी हाइट पे है, तो ये देखो माउंटेन्स दिख रहे हैं हर तरफ और काफ़ी सीनिक व्यू है। बाकी दूसरी साइड ये उदयपुर का कोई आउटर एरिया दिख रहा है, और इस तरफ भी दूर दूर तक पहाड़ वगैरह से लेके सब कुछ काफ़ी अच्छा और सीनिक व्यू है। तो अभी पूरा मानसून पैलेस देख के मैं आ गया हूँ नीचे पार्किंग में। अब यहाँ से निकलेंगे, चलेंगे सीधा सिटी पैलेस। ये पैलेस ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ आप लोग आराम से हाफ एन आवर वन आवर में घूम लोगे। इतना कुछ है नहीं, बस फोटोजेनिक स्पॉट है, पूरा उदयपुर दिखता है। देखो फिरो, घूमो फिरो थोड़ा सा, पिक्चर्स वगैरह लेके बस निकल लो। चलिए अब हम लोग चलते हैं सिटी पैलेस की तरफ। तो ये गंगोर घाट है, यहाँ पे बहुत सारे कबूतर रहते हैं। ये देखो यहाँ पे कबूतर उड़ाना मना है, बट ये बहुत ही प्यारा पॉइंट है। और गंगोर घाट एक मस्ट विजिट प्लेस है अगर आप लोग ओल्ड सिटी में आ रहे हो तो, क्योंकि यहाँ पे एकदम वेस्ट वाइब आती है, कबूतर भी हैं, देन घाट है, सामने पिचोला लेक है, तो यहाँ आप लोग ज़रूर आना। तो ये वैरफ साइट सिटी पैलेस का, ये मेन गेट है, बड़ी पोल से जब आप लोग अंदर आते हो। यहाँ पे स्टूडेंट कॉन्सेशन है, 100 रुपये का टिकट है, कोई भी आईडी कार्ड वैलिड है, फ़ोन में भी दिखाओगे तो चलेगा। तो सज्जनगढ़ फोर्ट से निकलने के बाद मैं आ गया सिटी पैलेस। बट जब आप सिटी पैलेस आते हो तो ये लोग बोलेंगे कि गाड़ी अंदर नहीं जाती है, ये वो दिस दैट। यहाँ पे बहुत सारे जो भी लोकल वेंडर्स हैं ना, उन पर ट्रस्ट मत करना। सामने तक गाड़ी आती है, वहाँ पार्किंग बना हुआ है, वहाँ आप गाड़ी पार्क कर दो। देन वहाँ से बस 600 मीटर है, सामने 5-6-7 पॉइंट है ओल्ड सिटी में, तो सब घूमते हुए आप लोग आराम से पैदल घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी आती है, किसी के बात में नहीं रहना, सीधा जहाँ तक रोड जा रहे हैं ना वहाँ तक जाओ, और जो पुलिस वाले खड़े होंगे आप उनसे पूछ लो। तो मैं पूछते हुए आ गया, मैंने गाड़ी पार्क कर दी। यहाँ पे टिकट प्राइसेस वैसे तो 300 पर अडल्ट है, बट स्टूडेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। आईडी कार्ड फ़ोन में भी दिखाओगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। पीछे ये सिटी पैलेस है, ये बहुत बड़ा है। फिलहाल अंदर आ गए हैं, तो अब चलते हैं और पूरा सिटी पैलेस एक्सप्लोर करते हैं। ये यहाँ पे टू व्हीलर्स का पार्किंग है, उस साइड से सिटी व्यू है, देन ये पूरा पैलेस का व्यू है, ये देखो। तो यहाँ पे इस गेट से एंट्री है, यहीं से हम लोगों को एंटर होना है, तो चलते हैं पहले हम लोग अंदर। तो अंदर आने के बाद वहाँ से सारे राजा का मेंशन किया हुआ है, देन सीढ़ी से हम लोगों को अंदर जाना है और फिर पूरा ऊपर पैलेस घूमना है। यहाँ से शुरू करना है, ये हल्दी घाटी का कक्ष है, अंदर महाराणा प्रताप का कक्ष है, देखो ये ऊपर आने के बाद ऐसा है। यहाँ पे महाराणा प्रताप के अस्त्र रखे हुए हैं, ये देखो ये तलवार, और देन ये उनका सूट, और यहाँ पे हल्दी घाटी की मिट्टी रखी हुई है। तो वहाँ से और ऊपर आने के बाद ये देखो, यहाँ पे ये गार्डन एरिया टाइप का है, और यहाँ से पूरा उदयपुर का सिटी व्यू है। मैं पैलेस में अभी ऊपर आ गया हूँ घूमते घूमते। फिर यहाँ पे ये मानक महल है, इसके अंदर ग्लास लगे हुए हैं और सामने बैठने की जगह बनी हुई है। तो यहाँ मानक महल है, उसी को देखने के लिए इतनी भीड़ है। मैंने भी मानक महल देख लिया है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। और सिटी पैलेस में हर साइड से पूरा उदयपुर सिटी का व्यू मिलेगा आपको देखने के लिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। फिर आगे आने के बाद यहाँ से ये देखो सामने, दिस वॉज द प्रॉपर्टी जिसमें मुझे रुकना है एक दिन, नेक्स्ट टाइम कभी भी उदयपुर आऊँगा तो ये ताज लेक पैलेस है, इसी में रुकेंगे। सामने वो ओबरॉय उदय विलास, तो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी उदयपुर आएंगे तो इस होटल में और उस होटल में, सिर्फ इन सब होटल्स में रुकेंगे। तो यहाँ पे ये है मोती महल, उसको देखने के लिए भी इतने सारे लोग खड़े हैं। तो अभी मैं पैलेस घूमते घूमते एकदम ऊपर आ गया हूँ, थोड़ी देर पहले नीचे था वहाँ खड़े थे, और अब भी ऊपर आ गए हैं। अब देखते हैं पैलेस टूर कब ख़त्म होता है, यहाँ से अब हमें और आगे जाना है। देन यहाँ पे
ये एक राजा का कक्ष है जो कि चल नहीं सकते थे, तो उनके लिए व्हील चेयर से लेके सब कुछ प्रॉपर अरेंजमेंट करके रखा था। ये देखो ये उनका कमरा है पूरा। तो अब यहाँ पे एक और कमरा है, ये देखो सब लोग उसी को देख रहे हैं बाहर। ये यहाँ पे फैन वगैरह लगा हुआ है, बाकी हम लोग देखते हैं अंदर। तो ये वेल मेंटेन्ड रूम है, ये देखो बहुत सही दिख रहा है। फिर आगे आने के बाद यहाँ पे अलग अलग महल का डेमो पीस रखा हुआ है, ये देखो। देन यहाँ से हम लोगों को देखते हुए आगे जाना है। देन इस तरफ यहाँ पे पैलेस का ओपन स्पेस है और नीचे कैंटीन भी है। मैं अभी ऊपर हूँ तो चलिए हम लोग नीचे चलते हैं। यहाँ अंदर इंस्ट्रूमेंट गैलरी है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं आगे, सितार गिटार ये सब सब कुछ। ये देखो यहाँ पे ये हारमोनियम टाइप का है। देन इधर ये देखो ये तानपुरा रखा हुआ है, यहाँ पे सराज रखा हुआ है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। यहाँ पे सितार रखे हुए हैं। देन इधर फ्लैट सितार। तो ये पूरी इंस्ट्रूमेंट गैलरी है, चलते हैं यहाँ से आगे। यहाँ पे मेवार रेगेलिया टेक्सटाइल और कॉस्ट्यूम रखे हुए हैं अंदर, देखो इस तरफ है। देन यहाँ पे डोली वगैरह रखी हुई है, बाकी सब ये देखो बहुत सारे पार्टी रखी हुई है। यहाँ पे नो एंट्री है। तो फाइनली पूरा पैलेस घूमने के बाद अभी मैं आ गया हूँ एग्जिट एरिया में। यहाँ पे बहुत बड़ा ये स्पेस खाली है जहाँ पे आप लोग बैठ सकते हो पूरा पैलेस घूमने के बाद। यहीं पे खाने का भी है कैफेटेरिया, वहाँ बैठ के खा सकते हो। बाकी ये पैलेस बहुत बड़ा था तो गाइड ले लेना अगर आप लोगों को ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में जानना है। तो टाइम लगता है यहाँ पर 1-2 घंटे, तो गाइड रहेगा वो सब कुछ बताएगा। बाकी बेसिक जो मुझे पता है इस पैलेस को बनाने में कुछ 400 साल लगे, और ये मेवार की जो रॉयल फैमिली है उससे बिलोंग करता है। पैलेस को घूमने में बहुत टाइम लग गया और अब लिटरली टायर्डनेस भी फील हो रही है। बाकी अब यहाँ से देखते हैं लेक पे चला जाएंगे, वहाँ पे बोट राइड करके सनसेट देखना था। कल मैंने फतेह सागर लेक में सनसेट देखा, वैसे तो आज सोच रहा हूँ लेक पे चला जाऊँ। तो अभी देखते हैं यहाँ से एक बार निकलते हैं, फिर बताएंगे कि अभी कहाँ जाते हैं। तो अभी एम एस सिटी पैलेस से आ गया हूँ बाहर, और ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है क्योंकि मैंने इसमें आपको पूरा सिटी पैलेस दिखाया। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ बगोड़ की हवेली, वहीं पे डांस शो वगैरह सब देखना है। तो इसीलिए अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देता हूँ, फिर उसका एक इंडिविजुअली अलग से व्लॉग बना दूँगा। तो फिलहाल तब तक आप लोग ये सिटी पैलेस के व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। बाकी और भी हिस्टोरिकल प्लेसेस मैं ट्रैवल करूँगा अभी तो सब दिखाएँगे, तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।